श्रीदेवी को मरणोपरांत बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। हालांकि इस अवार्ड्स के जूरी हेड ने खुलासा किया है कि वे इस श्रीदेवी को दिए गए इस सम्मान के खिलाफ थे। उन्होंने जूरी मेंबर्स से कहा था कि श्रीदेवी को यह अवार्ड नहीं देना चाहिए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखर का कहना है कि श्रीदेवी को अवार्ड दिलाने के पीछे उनका हाथ बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शेखर कपूर ने सभी नॉमिनेट डायरेक्टर्स की लिस्ट देखी और उनके बारे में बात भी की। उन्होंने ये सलाह भी दी कि श्रीदेवी का नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे शेखर कपूर हर सुबह जूरी मेंबर्स से बार बार वोटिंग और दूसरे नॉमिनीज पर विचार करने को कहते थे, लेकिन किसी न किसी तरह हर बार श्रीदेवी को ही सबसे ज्यादा वोट मिलते थे। शेखर ने ये भी खुलासा किया कि वे इकलौते ऐसे सदस्य थे जो ये कह रहे थे कि श्रीदेवी को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। शेखर का मानना है कि श्रीदेवी को अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई। ये उन लड़कियों के साथ आया है जो 10 से 12 साल से काम कर रही हैं और जिनके सामने पूरा करियर पड़ा हुआ है। बता दें कि शेखर को श्रीदेवी के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। श्रीदेवी ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। हालांकि जीते जी उन्हें किसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड नहीं मिला। उन्हें मॉम के लिए करियर का इकलौता नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन इसे सेलिब्रेट करने के लिए वे दुनिया में नहीं हैं। श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिलने पर बोनी कपूर इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि श्रीदेवी को बहुत याद करते हैं। वे कहते हैं, हम ये नहीं जानते कि ये श्रीदेवी को ये अवार्ड मिलने पर खुशी मनाएं या फिर उन्हें याद कर रोएं। आज अगर वे दुनिया में होती तो बेहद खुश हो जाती, क्योंकि ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब थी। फिल्म उनके डायरेक्टर रविवार उदयावर की माने तो श्रीदेवी ये अवार्ड डिजर्व करती थी। वे इसे लेकर बहुत खुश हैं। रविवार का कहना यह भी है कि श्रीदेवी ने फिल्म के बहुत मेहनत की थी। जुलाई 2017 में रिलीज हुई मॉम में श्रीदेवी ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेजल अली की सौतेली माँ का रोल किया था। वे फिल्म में सौतेली बेटी के रेपिस्ट से बदला लेती नजर आती हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी अहम रोल था।